जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 3200 दांत झड़ जाए, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है आंधी के तरह उड़ जाएगा। वीरेंद्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं खड़ा रहूंगा, देखते हैं किसका मजाल आगे। भाई धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं संरक्षक हैं। भाई शिक्षा मंत्री तो मूड है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। भाई धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं संरक्षक हैं, और उन्होंने बाल्यकाल से ही भक्ति भाव से हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है आंधी के तरह उड़ जाएगा, आंधी के तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 3200 दांत झड़ जाए। शिक्षा मंत्री तो मूड है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। बिहार की शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। जो आदमी रामचरितमानस को जो अपमान करेगा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और रामचरितमानस का अपमान करने वाला वो मिट्टी में मिल जाएगा। वीरेंद्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होने दिया जाएगा, वीरेंद्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं खड़ा रहूंगा, देखते हैं किसका मजाल।